गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम ये दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे, सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सब्ट्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो वर्टिकली क्या होता है और हॉरिजेंटली क्या होता है? हॉरिजेंटली का सीक्वेंस ये होता है और वर्टिकली का सीक्वेंस क्या होता है? 45 ऊपर रहता है, 32 नीचे रहता है। जैसे हम वर्टिकली में हम 45 ऐसे लिखते हैं और 32 नीचे लिखते हैं, फिर इनको लेस करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी लेस करना है, 2 डिजिट के नंबर जब भी आप लेस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले 1s पोजीशन को लेस करना होता है, देन 10s पोजीशन को लेस करना होता है। आपको 10s पोजीशन फिर 1s पोजीशन ऐसे कभी भी लेस नहीं करना, पहले ये वाली पोजीशन लेस होती है, देन ये वाली पोजीशन को लेस करते हैं, ठीक है। तो यही होता है सब्ट्रैक्शन। अब वर्टिकली, ये तो वर्टिकली वर्जन हो गया, अब इसका हॉरिजॉन्टली वर्जन क्या होता है? ये वाला, मतलब इसमें सीक्वेंस ऊपर और नीचे होता है, इसमें लेफ्ट और राइट, ठीक है, इधर और इधर, इनको लैस करना होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, आंसर सेम ही निकलेगा दोनों कंडीशन में, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, ठीक है, यानी इसको इसको करने का तरीका अलग अलग है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ जीरो इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर, द डिफरेंस इज इट ऑलवेज द नंबर इट्सेल्फ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम जीरो को एनी नंबर, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से, यानी कि चाहे वो 1 डिजिट का नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, कोई सा भी नंबर हो, और कोई सा भी है ना, अगर हम उसको जीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो द डिफरेंस इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। तो डिफरेंस जो निकलता है, यानी कि जो उसका आंसर निकलता है, वो क्या होता है, जिस नंबर से हमने जीरो को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, वही नंबर उसका डिफरेंस निकलता है। जैसे 62 को हमने किससे, जीरो को किससे सब्ट्रैक्ट किया है, 62, तो हमारा जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा, 63 ही होगा नंबर इटसेल्फ। अगर इसकी जगह मान लो आप 188 माइनस जीरो करते हो, तो भी आपका डिफरेंस 188 ही निकलेगा। मतलब जीरो को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिस नंबर से आपने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया है, वही नंबर उसका डिफरेंस होता है, ओके। नेक्स्ट है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर, अगर हम 1 को किसी भी नंबर से, किसी भी, जैसे मैंने बताया 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, किसी भी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, तो द डिफरेंस इज ऑलवेज द प्रीवियस नंबर। तो हमने जिस नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, किस नंबर से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 55, इसका प्रीवियस नंबर क्या होता है, पहले का नंबर 55 से पहले 54 आता है, तो वही उसका डिफरेंस निकलता है। मान लो अगर इसकी जगह 24 होता, तो 24 को हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 से किसको किया है, 24 को, तो 24 का प्रीवियस नंबर क्या हो गया, 23, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जब हम 1 को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब है इफ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, अगर हम जो नंबर हमको दिया हुआ होता है उसी नंबर से, यानी ए सेम नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि जैसे 23 नंबर को 23 से ही सब्ट्रैक्ट करना, तो उस कंडीशन में आंसर ऑलवेज जीरो रहता है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। चाहे 15 माइनस 15 करोगे तो भी जीरो ही निकलेगा, 100 माइनस 100 करोगे तो भी जीरो ही निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। अब मैंने इसकी वर्कशीट बनाई है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ये है सब्ट्रैक्ट, पहले आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, और चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वर्टिकली में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये पहले आप 1s पोजीशन को लेस करेंगे सब्ट्रैक्ट, देन 10s पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 गया तो कितना बचता है, 3, 4 में से 3, 1, पहले 3 में से 1 गया, 2, 6 में से 2 गया, 4, 4 में से 2, 2, 8 में से 1, 7, 5 में से 1, 4, 3 में से 2, 1, तो इस तरीके से पहले 1s पोजीशन को हमको लेस करना है, आफ्टर देन 10s पोजीशन को हमें लेस करना है। सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टली,
ये भी हमें इसी तरीके से करना है। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ये सीक्वेंस का यूज़ करके इसका आंसर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक, सब ट्रैक ऑन द नंबर लाइन 18-4 इक्वल्स टू कितना होता है, या सब ट्रैक ईजीली करेंगे, बट इसमें किसका यूज़ करना है, नंबर लाइन का यूज़ करना है। तो हमें सब ट्रैक ऑन द नंबर लाइन, जैसे 18 है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको 18 तक लेके जाएंगे, ये 18 तक लेके गए, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीधा आपको यहाँ से 18 तक लेके जाना है। अब 4 है तो कैसे करेंगे आप, एडिशन में तो आप आगे लेके जाते थे, इसमें रिवर्स करेंगे, 4 तो ये 4 है तो हम 4 करेंगे, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 14, तो यहाँ पे हम 14 आंसर लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से 45-2 है तो आप जो नंबर लाइन बनाएंगे उसमें 40 से लेके, यहाँ मैं 10 से लेके 20 तक की नंबर लाइन बना रही हूँ, है ना, वहाँ पे आपको 40 से लेके 50 तक की नंबर लाइन बनानी है, और फिर 40 से 50 तक कर्व लेके जाना है, और फिर उसको 2 में रिवर्स करना है। ठीक है, इसी तरीके से 86-2 है तो आपको पहले 80 से 790 तक लाइन बनानी है और फिर करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, वही है, अगर जीरो को हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या निकलता है, जो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि 62-0 करेंगे तो आंसर 62 ही निकलेगा, 39-0 करेंगे तो 39 ही निकलेगा। ठीक है, ये सब अब है, इफ वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर, अगर हम वन को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, तो हमने वन को 55 से सब्ट्रैक्ट किया तो प्रीवियस नंबर, जो हमने नंबर दिया है वन को, हमने किससे किया है, इस नंबर से, तो इसका प्रीवियस नंबर 54, 68-1 तो इसका प्रीवियस नंबर क्या होता है, 67, तो हमें 67 लिखेंगे। 80-1 तो जो नंबर हम, किस नंबर को हम वन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 80 को, तो 80 का प्रीवियस नंबर 79, तो आपको 79 लिखना है। ये आपको इस तरीके से करना है, इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, जब हमको सेम नंबर से सेम, मतलब दोनों नंबर सेम होते हैं, उस कंडीशन में आंसर हमेशा जीरो ही निकलता है। ठीक है, यानी कि 35-35 जीरो, 86-86 जीरो। अब ये इनके भी आप पे मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, ये आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, इशू है तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।